क्या सोच रहे हो जी? इंतजार कर रहा हूँ। किसका इंतजार? जवाबी हमले का। ब्राह्मणों के दागे गए घुटनों के बदले। हाँ। लेकिन आप ये क्यों सोचते हैं कि वो पलट कर वार करेगा ही? कई बार आदमी थक भी तो जाता है। नहीं मगम्मा नहीं, राजगुरु का अहम उसको थकने नहीं देगा। किस तरह का वार कर सकता है वो? कुछ भी याद नहीं कि उसने मुझे गद्दार तक होने का कलंक लगा दिया था। बात तो ठीक कही आपने, तब तो वो बहुत कुछ कर सकता है, मगर ऐसे इंतजार करने से और सोचने से क्या फायदा? मैं अभी तो यही सोच रहा हूँ कि वो क्या सोच रहा होगा। एक काम करना, गोपाल आएगा तो उसे कहना राजगुरु के घर को भी रोज 3-4 बार देख लिया करे। देख लिया करे मतलब? ये दूसरी भाषा है, उसे कह देना वो समझ जाएगा। मैं भी समझ गई। अरे गोपाल होगा। आओ गोपाल आओ, कहो क्या कुछ खास बात है? अब कुछ ज्यादा खास नहीं, बस एक छोटी सी ही खबर थी। देखो गोपाल, तुम्हें जो भी खबर मिले मुझे बता दिया करो, छोटी हो या बड़ी, खास हो या आम, ये तोलना मेरा काम है। हाँ। फिर बताओ। तेनालीराम जी, सुना है महाराज और महारानी में कुछ अनबन चल रही है। तुम्हें किसने बताया? राजमहल में काम करने वाला एक प्रहरी है, रामनिवास, उसने। तो तुम उधर कैसे गए? नहीं, मैं उधर नहीं गया था, मैं तो दरबार में आ रहा था और रामनिवास राजमहल से मुख्य द्वार की ओर जा रहा था और वहीं। रुको, अब जो मुझे बताना वो शब्द और लहजा बिल्कुल वैसा हो जैसा तुमने सुना या कहा हो। रामनिवास राजमहल के मुख्य द्वार से बाहर निकल दाईं ओर से आ रहा था और मैं सड़क की बाईं ओर था। जैसे ही रामनिवास ने मुझे देखा, उसने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। तो उसने क्या कहा और तुमने क्या जवाब दिया और फिर उसने क्या कहा? उसने पूछा, गोपाल भैया क्या हाल है? तो मैंने कहा, ठीक है, बहुत दिनों बाद तुम्हारे दर्शन हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि राजमहल में व्यस्त रहने के कारण वक्त ही नहीं मिल पाता। तो उसने कहा कि गोपाल भाई सुना तुमने? तो मैंने कहा, क्या? मैंने तो कुछ खास सुना ही नहीं। तो उसने बताया कि महाराज और महारानी में अनबन चल रही है, यहां तक कि महाराज और महारानी एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे। फिर उसने कहा कि अच्छा भाई, मुझे आगे तक जाना है, मैं चलता हूं। ये कहकर वो तेजी से चला गया। गोपाल, ये किस समय की बात है? दोपहर की। और कुछ? नहीं, बस यही बात थी और राजपाल ने भी यही बात बताई। ये राजपाल कौन है? वो भी राजमहल में काम करता है। तो उसने क्या बताया? देखो बिल्कुल वैसा ही बताना जैसे रामनिवास की बात बताई थी। उसकी बात काफी छोटी थी। मैं जामुन के पेड़ के पास से जा रहा था कि राजपाल, जो जामुन लपक रहा था, पेड़ पर से एक लकड़ी की टहनी हिला रहा था। मुझे देखकर राजपाल ने उसे रोक दिया और मुझसे कहा, गोपाल भैया कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मैं घर जा रहा हूँ। तुमने सुना कि महाराज और महारानी में अनबन चल रही है, यहाँ तक कि वो दोनों आपस में बात भी नहीं करते। मैंने अपना सर हाँ में हिलाया और उसके बाद वो फिर जामुनों पर लपक पड़ा। तुम इन खबरों को आम खबर बता रहे हो? मैंने सोचा हो गई होगी कहा सुनी, मेरी भी मेरी बीवी से रोज कहा सुनी हो जाती है, सुबह होती है और शाम को खत्म, और पति पत्नी में तो ये सब चलता ही रहता है ना। नहीं गोपाल, तुम जो काम मेरे लिए कर रहे हो उससे हर बात एक इशारा हो सकती है,
एक छोटी सी हरकत भी एक बहुत बड़ी घटना की खबर दे सकती है। हाँ, किंतु तेनालीराम जी, इस सूचना से आपने निष्कर्ष क्या निकाला? यही कि राजमहल से कोई ये अफवाह फैलाना चाहता है कि महाराज और महारानी में मतभेद हो गया है। जिस तरह से राम निवास ने तुम्हें वो बात बताई जिसे अपने तक रखना ही उसका कर्तव्य था, एकदम बताई और चल दिया। हाँ, उसी तरह और उन्हीं शब्दों में राजपाल ने बताई और काम में लग गया। इसका अर्थ ये है कि उसे सिर्फ ये खबर उगलनी थी। इसका मतलब ये निकलता है कि योजनाबद्ध तरीके से कोई वो खबर फैलाना चाहता है। वो कोई बड़ा अधिकारी भी हो सकता है और इसमें महाराज या महारानी की स्वीकृति भी हो सकती है, मगर इसका संचालन किसी ने जल्दबाजी और बचकाने ढंग से किया है। मुझे इससे अनुमान होता है कि ये सब महारानी की चाल है। जिस तेजी से अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है, उससे तो लगता है कि कल ही कुछ होने वाला है। ऐसा करना, कल तुम मेरे साथ ही रहना। राजगुरु जी, मैंने अपना काम कर दिया है। अब आपको देखना है कि आपको मुझे उस ओहदे पर कैसे बिठाना है। अगर महारानी ने वैसा ही किया जैसा तुमने कहा है, तो फिर ये समझ लो कि तुम उस कुर्सी के हकदार बन गए। हाँ। आज की दरबार की कार्यवाही शुरू की जाए। राज ऋषियों ने कहा है, एक आदमी बहुत लंबे अरसे तक अगर एक ओहदे पर रहे तो नया फन, नई सोच उभर नहीं पाती। जैसे एक जगह पर खड़ा पानी साफ नहीं रह पाता। मगर महाराज, अगर वो ओहदेदार बहुत काबिल हो तो भी क्या कम काबिल को उसकी जगह सिर्फ बदलाव लाने के लिए मुकर्रर करना चाहिए? हरगिज नहीं, मगर इसका इम्तिहान लेते रहना चाहिए कि क्या उसकी काबिलियत वक्त के सैलाब में जंग तो नहीं खा गई, या फिर कोई और उससे ज्यादा काबिल शख्स तो नहीं रोशन हुआ उस रियासत की जमीन पर। ये तो कुछ गड़बड़ है। लगता है महाराज जमीन तैयार कर रहे हैं किसी बड़ी बात की। क्या होगी वो बात? आपकी इस सोच की मैं हिमायत करता हूँ। इससे रियासत में तरक्की और नयापन आएगा जो वक्त के मुताबिक होगा। लो तेनालीराम, हम ये मशक्कत तुम्ही से शुरू करते हैं। मैं तैयार हूं महाराज। देखो, तुम्हें मालूम है आजकल हमारी महारानी से अनबन चल रही है। महाराज, मेरी भी अपनी बीबी से अनबन चल रही है। तो हम चाहते हैं कि तुम जाओ और हमारी महारानी को अपने साथ यहां लाओ दरबार में। अगर वो ना आए तो
क्या जबरदस्त? तेनाली! महाराज, मैं तो बस यही जानना चाहता था कि असलियत में आप कितना नाराज हैं महारानी से। क्या मतलब? कुछ नहीं, और कुछ महाराज? हाँ, अगर तुम ना ला सके तो तुम्हें तुम्हारे ओहदे से हटा दिया जाएगा, और जो ये काम अंजाम दे सके ये इस बात का इम्तिहान होगा कि वो तुमसे ज्यादा काबिल और अकलमंद है। अब समझा, ये तो मिली भगत है। महारानी मेरे कहने से तो आएंगी नहीं, तो कोई और जाएगा, तब आएंगे। इस बार मेरा तख्ता पलटने की तैयारी है। महाराज, आप फिक्र ना करें, ना सिर्फ महारानी यहाँ दरबार में आएंगी, बल्कि अनबन की वजह बनने के लिए आपसे माफी भी मांगेंगी। महाराज, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? वो क्या? जब तक मैं ना लौटूं, किसी को दरबार से बाहर ना जाने दिया जाए। हमें मंजूर है। तो ठीक है महाराज, मैं जा रहा हूं, आप इंतजार कीजिए। आप फिक्र ना करें, मैं सब समझ गया हूं, आप चले, मेरे कान खुले रहेंगे। लगता है तेनाली राम आ गया। अरे ये क्या बोल रहा है? ये क्या हो गया? मैंने तो कभी सोचा भी ना था, अब हमें अपनी महारानी को बड़ी महारानी कहकर बुलाना पड़ेगा। एक ही दिन में क्या से क्या हो गया? कल तक तो सब ठीक था। तेनालीराम, तेनालीराम, बात क्या है? छोड़िए महारानी, मेरा मतलब है बड़ी महारानी। अब बहुत देर हो चुकी है। किस बात की देर? और तुम बार बार मुझे बड़ी महारानी क्यों कह रहे हो? देखो, मुझे ठीक ठीक बताओ तेनालीराम, बात क्या है? महारानी जी, आज सुबह किसी बात पर आपकी महाराज से कहा सुनी हुई थी? कहा सुनी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो... अगर कोई बात ही नहीं हुई तो मुझे कुछ वहम हुआ होगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। रुको रुको तेनालीराम, देखो तुम ऐसे नहीं जा सकते, पहले मुझे सारी बात बताओ, सारी बात। महारानी जी, बात कुछ खास नहीं, आज सुबह महाराज दरबार में आते ही राज पुरोहित जी के साथ अपने खास विचार कक्ष में चले गए। जब मैं गया तो राज पुरोहित जी कह रहे थे, राजकाज में दखल अंदाजी का हक किसी को भी नहीं, महारानी को भी नहीं, और जो राजा अपनी रानी या रिश्तेदारों को इतनी छूट देता है वो राज धर्म नहीं, राज अधर्म कर रहा है। बस इसी पर महाराज बहुत शर्मिंदा महसूस करने लगे और कहा कि वो इसका पशेमानी करेंगे और महारानी को तलाक देकर दूसरी शादी करेंगे किसी ऐसी राजकुमारी से जो उनके राजकाज में दखल अंदाजी ना करे। ये कैसे?
कैसे हो सकता है? वैसे महामंत्री जी महाराज को अपना फैसला बदलने के लिए समझा रहे हैं। हो सकता है महाराज उनकी बात मान ले, वरना अच्छी। तेनालीराम जी क्या हुआ? महाराज नहीं माने, महामंत्री जी ने भी बहुत समझाया, राजपुरोहित जी ने भी बहुत कहा कि महारानी को इतनी कड़ी सजा नहीं देनी चाहिए, और कहा कि बस माफी मंगवाकर इस वायदे के साथ कि वे दरबार के कामकाज में दखल अंदाजी नहीं करेंगी, बख्श देना चाहिए। तो राजपुरोहित जी को क्या जवाब दिया महाराज ने? कुछ नहीं, बस चुप रहे। तो इसका मतलब है कि अभी उम्मीद है। हाँ बिल्कुल, राजपुरोहित जी की बात महाराज आसानी से नजरअंदाज नहीं करते, ये बात तो आप जानते ही हैं। चलो, कहाँ चलना है महारानी? मैं माफी मांगूंगी महाराज से। राजपुरोहित जी ये देखकर शायद महाराज पर और भी दबाव डाल सके। हाँ हाँ, ये तो है। महारानी, आप यहाँ? जी महाराज, मुझे माफ करें महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। क्या हो गया महारानी? आप ये क्या कह रही हैं? हम कुछ समझे नहीं, आखिर बात क्या है? मुझे सब मालूम पड़ गया है। मैं वादा करती हूँ महाराज, आगे से राजकाज के कार्यों में मैं दखलअंदाजी नहीं करूँगी। बस आप दूसरी शादी का फैसला बदल दीजिए। दूसरी शादी? बदल दीजिए अपना फैसला। ठीक है, हम ऐसा कोई फैसला नहीं करेंगे। आप बेफिक्र होकर जाएं, आपसे बाकी बात हम महल में आकर करेंगे। ओह, शुक्रिया महाराज, शुक्रिया। तेनालीराम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तेनाली, ये क्या हिमाकत थी? महाराज, मैंने तो सिर्फ आपके हुक्म की तामील की है। मेरे ख्याल से अब आप में और महारानी में अनबन तो खत्म हो ही गई होगी। बहुत खूब, तुमने हमें एक बड़ी मुश्किल से उबार लिया और अपनी नौकरी भी बचा ली। महाराज, आपका महारानी से झगड़ा खत्म करवाने पर आज तेनालीराम जी को इनाम नहीं देंगे? जरूर। राजगुरु जी, क्या है? कुछ नहीं। कोषाध्यक्ष जी, एक अशर्फियों का थाल तेनालीराम को इनाम के तौर पर दिया जाए। तक दिमाग 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 तक दिमाग